इतनी गंदी लग रही है ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, देखो बहुत ज्यादा गंदी लग रही है हद को। जब मैं तेरे लिए नहीं एग्जिस्ट करता ना, तो फिर अब नहीं करती तू भी मेरे लिए। फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है, मेरे साथ साथ आप लोगों की एक्साइटमेंट भी नेक्स्ट लेवल हो जाने वाली है। ओके, सांस ले लूं। फाइनली गाइस, मैं करने वाली हूँ प्रब के ऊपर प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के प्रैंक के लिए, क्योंकि मैं प्रब के ऊपर करने वाली हूँ एक पियर्सिंग प्रैंक। नॉर्मल प्रेसिंग नहीं होने वाली है, कान वान की तो वो उसके लिए तो वो क्यों ही रिएक्ट करेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा। पियर्सिंग होने वाली है बेल वाली, तो यहाँ पे होती है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, मैं तो बेल वाली पियर्सिंग बोलती हूँ। पियर्सिंग होने वाली है बेल वाली, एंड मैं ट्राई करूंगी अगर यहाँ पर मैं बहुत सारी पियर्सिंग और एक लिप्स पे कर पाई तो। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मुझे वो कहाँ से मिलेगी, वो जो नकली वाली होती है, मतलब वो वाली होती है ना जिसके लिए होल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे टक हो जाती है बस। तो सबसे पहले तो मुझे वो वाले वो ढूंढनी है, जो बोलते उसको बाली एंड ऑल, मुझे सबसे पहले वो ढूंढनी है। उसके बाद मैं फिर उसके बाद मैं बोलूंगी कि मैं ऐसे ऐसे शॉपिंग करने आई थी, तो प्लीज मेरे को यहाँ से पिक कर लो, देन प्रब मुझे पिक करने आएगा और वही हो जाएगा प्रब के ऊपर एक धमाकेदार प्रैंक। कैसा लगा कमेंट करके बता दो कि तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, तुम्हारी एक्साइटमेंट लेवल एक बार ज्यादा कमेंट कर दो फटाफट से, और चलते हैं फटाफट से बाली ढूंढते हैं, उसके बाद बिना किसी टाइम वेस्ट करें फटाफट से प्रब के ऊपर प्रैंक स्टार्ट करें, लेट्स गो। मैं मेट्रो से बाहर आ गई हूँ और अब फटाफट से चलते हैं, और वो जो मैंने बाली खरीदी है फटाफट से वो खरीदते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। मैंने प्रब को बोल दिया था कि मुझे फटाफट से पिक करने आ जाओ, और ये मुझे बहुत इरिटेट कर रही है यार, बिल्कुल बहुत हो रहा है अपने नोज में। तो मैंने प्रब को बोल दिया कि प्रब अच्छे मेरे को लेने आ जा, तो प्रब ने मुझे बोल दिया कि वो लेने आ रहा है, तो जैसे ही प्रब आएगा तो मैं मास्क लगा के चलती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। फिर वो आ गया, एक मिनट रुको, ये देखो अब इसको मेरे पास शक ना हो जाए, फटाफट से चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, जल्दी चलो। हाय, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? इतना लेट आए हो यार। सॉरी, मैं थोड़ा शॉपिंग कर रही थी। कोई ना, ये आप कौन सा व्लॉग बना रहे हो आज? आज तुम्हारे लिए सरप्राइज व्लॉग है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज बताओ यार। बहुत इंटरेस्टिंग बर्थडे का सरप्राइज है। नहीं, बर्थडे का नहीं है, बर्थडे आ रहा है, फिर कौन सा सरप्राइज? अच्छा लगेगा तुम्हें बट। ठीक है, चलो दिखाओ। आर यू रेडी? हाँ, पक्का। एक मिनट मुझे कैमरा सेट करने दो। ओके, सुप्रभा, आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? हाँ। कोई गेस क्या हो सकता है? पर्स के अंदर कुछ होगा? नहीं, चॉकलेट प्लेट। no. वो तो एक्चुअली मना है। ओके, अच्छा चलो रेडी हो? हाँ, पक्का। क्या मुंह पे कुछ करवा के आए हो क्या? हाँ। क्या गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं, गुस्सा मत करना। ठीक है, पक्का? पक्का, वो तो देखने के बाद पता चलेगा ना कि गुस्सा करूंगा नहीं करूंगा। गुस्सा मत करना, ये मेरा मन था। ठीक है, ओके, रेडी? हाँ। 3, 2, 1, गो। ये क्या करवा लिया, पागल है क्या? बहुत मन था। हाँ, दुख रहा है, मत करो, अभी करा। पागल है क्या? Oh, no. अभी अभी कराया, बहुत दुख रहा है, हाथ में तक आना। बढ़िया लग रहा है ना यार, क्या करवाया यार, सीरियसली मतलब नहीं अच्छा लग रहा कसम से। और ये है भी टेढ़ा, मतलब ये क्या, मतलब कहाँ से आया थे दिमाग में ये चीज, को पता है मेरे को ये सारी चीजें नहीं पसंद है यार। यार मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा। नो स्पिन के लिए बोला तूने, मैंने नहीं मना करा, ठीक है, तूने करवा लिया, राइट, ठीक है, अच्छा लगता है। ओके, ये क्या यहाँ पर, माय इतना गंदा लग रहा है यार, कुछ सोच तू। और ये इतना चिपका हुआ है, तेरे को पता है इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैंने टोस्ट से सर्जन से कराया है। राशि यार, तू पागल है यार, तू सिंपल बन के नहीं रह सकती क्या? हाँ, न्यू चीजें इन्वेंट करना जरूरी है तेरे को अपने अंदर? तू सिंपल अच्छी लगती है यार, और जो हमारी ऑडियंस है, हमारी पूरी पीआर फैमिली, उसको भी तेरे को सिंपल ही पसंद है। ये पता नहीं क्या माय बुल टाइप का पता नहीं क्या निकाल लिया। मुझे थोड़ा डिफरेंट लगना था। फिर पूरा ही बनवा ले ना, इतना छोटा क्यों लगवाया, पूरा बड़ा सा लगवा ले, डिफरेंट लगना था
यार मैं कब से सेम लुक कैरी कर रही हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट लगूंगी और अच्छा भी लग रहा है। देखो कहाँ से अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कुछ अच्छा नहीं लगा, मन कर रहा खींच दूँ। पता नहीं क्या यार, क्या करवा देती है यार तू, ऊपर से ये सरप्राइज है मेरा, पता नहीं क्या सरप्राइज है यार तू ना। ना कॉमन सेंस यूज करता है यार करवाने से पहले, पहले पूछ लेता है किसी से, अपने आप नहीं कुछ कोई भी जाके का आस्कतिया करा लो घर पे। पता है बेटा अभी तो मेरे को मम्मी बताएगी, तू पहले घर चल तब पता चलेगा। देखो यार यार थोड़ा डिफरेंट लुक के लिए करा बस मैंने यार। कैसा क्या डिफरेंट लुक है पहले मेरे को बात बता, क्या डिफरेंट है ये क्या डिफरेंट है? मत करो यार दुख रहा है अभी करा के। तो तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, तू अकेले कराने चल गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वैसे तो तू मैं सीढ़ियों से पैर नीचे पैर रखती नहीं अकेले, तू आ दिख जाए तो मैं पूरा घर पे सिर चढ़ा देती है। क्या हम शक्ल क्या बना रही है, नहीं अच्छा लग रहा है, उसको उतार के जहाँ से करवा के आई है तो उसको बोल उतारे उसको, मेरे को नहीं पसंद। किसी भी चीज के लिए नहीं मना किया देखो मैंने, और ये कौन सा सरप्राइज है, क्या व्लॉग है, बंद कर इसको पहले। यार मुझे तेरे रिएक्शंस लेने दे यार। मिल गया ना रिएक्शंस, अच्छे रिएक्शन दे रहा हो ना। यार मुझे रिएक्शंस लेने हैं माय, पता नहीं क्या फुद्दू सा, मतलब क्या इतनी गंदी लग रही है ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, देखो बहुत ज्यादा गंदी लग रही है हद, पूरा सिंपल ही अच्छी लगती है। तो जब मेकअप भी नहीं करना होता फिर भी बोलता हूँ ना हाँ चल मत कर तू, उससे उसके मेकअप के बिना भी अच्छी लगती है। ये पता नहीं क्या है ये, पता है कौन करवाता है, तुझे पता नहीं ऐसे कौन लोग कौन करवाते हैं, स्मैकी होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो सब कुछ भी ऐसा नहीं होता। हाँ रहन दे, ऐसा नहीं होता, जिनको जिनको ने जिनको ना घर पार की परिवार, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, इनको किसी का कोई मतलब नहीं होता, वो सब करवाते ही है यार। मुझे नहीं पता कहाँ से करवाया, मुझे ये बता, और जो भी सर्दी और जो भी जहाँ पर भी है चल मेरे को, मैं नहीं उतरवाऊंगी है यार, मम्मी को बोल दूंगा, मम्मी को बोलता हूँ, फोटो भेजता पहले मम्मी को। ये पागल, मैं मम्मी को आराम से बता दूंगी यार, मत कर यार, मम्मी को पहले फोटो भेजू मैं, पर मैं ना मम्मी को बता दूंगी आराम से अभी। हाँ आराम से, मम्मी ने ना खींच के पूट देना, पता नहीं क्या है, क्या क्या करवा लेगी पागलों की तरह, ना सिर ना पैर। ये यहाँ पर सिर्फ एक क्यों लगवाया, पूरे ऐसे करके लगवा लेती ना, लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने सोचा था यहाँ पे पूरे कान पे भी ना, 1 2 3 इधर इधर क्यों नहीं करवाया, इधर भी करवा लेती, आंखों के अंदर भी करवा ले। इधर ना मुझे दूसरे वो अभी भी नहीं कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, करवा रही है कि इधर ये करवा लू वो करवा लू, बहुत देर लगाया मेरे। हाँ तो हद होती है किसी चीज की यार, बेफजूल में पता नहीं क्या गंद पूना मचा रखा है, सड़ी सड़ी चीजें करवा के आ जाएगी, सिंपल बन के नहीं रहना होता। देखो वैसे मैंने नोटिस कर लिया है क्या, पर मैं सिंपल तेरी ना? पता है क्या तेरी मेरी गलती पता है क्या तेरी, मैं हर जिद ना पूरी कर देता हूँ, बस ये है थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के रहूंगा ना ज्यादा सही रहेगा यार। ब्रह्म मैं तो कोई फालतू की जिद कभी आज तक कर, हाँ ये अब गाली निकलने वाली थी मुंह से कुछ, मुझे नहीं पता, चेंज जो करना है कर, हटवा इसको बस, मैं नहीं हटवाऊंगी, मेरा बात करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात होती है ब्रह्म, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या, तेरी अपनी मर्जी, नो स्पिन था, मना किया देखो, ये अच्छा लग रहा है, ऊपर से ब्लॉग ले आई है, लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, लगा ले शर्त, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो पता लग जाएगा जब कमेंट आएंगे ना, ये क्या करवा लिया है, क्या है ना सिर ना पैर, पता नहीं दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है दिनों दिन, जैसे बड़े हुए जा रही है दिमाग ही घुटने में आ जा रहा है इसका, इसको चेंज करवा ले, उतरवा दे यहीं से भी। भाई मैं नहीं करवा रही, मेरी मर्जी थी यार, मैंने अपने मन, तेरी मर्जी ना, फिर आज से मेरी मर्जी चलेगी, फिर तू देख ले, फिर मत बोलियो पर अब तू ज्यादा जा रहा है कुछ हो रहा है यार, ये बात तो भाई अगर तेरी लाइफ है तो मेरी भी तो है ना, जब मैं तेरे लिए सब कुछ वो को भी बार करता हूँ तो तू नहीं कर सकती, ये अच्छे लग रहा है, कौन कौन करवाता है पहले मुझे ये बात बता। अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा
किसी भी लड़की को देखा करवाए हुए, जो भी हमारे हान की मतलब कोई भी है इंडस्ट्री में, मैं किसी ने भी देखा है इसको? तो ना करवाए, मेरे को करवाना था, मेरी मर्जी थी, मैं कहती दूसरों को देख के चलू, उसने करवाया तो करवाऊंगी, उसने नहीं करवाया तो नहीं करवाऊंगी। नहीं मेरा अच्छा लग रहा है यार, फिर बड़ा लगवाना पूरा, बन भैंस बन फिर। फालतू नहीं, कौन कौन करवाता है ऐसे? मैं नहीं यार, ये कोई बात नहीं थी, मैं जा रही थी। तेरे को ज्यादा ही हर चीज में ना, हर चीज में तेरे को रहती है, मेरे को नहीं बनाना। अच्छा एक बात बता, मैंने कौन से, मैंने किस चीज में के लिए मना करा है? देखो किस चीज के लिए मना करा है, बता दे बता दे बता, बोल अब, मना ही नहीं करा से दो किस चीज के लिए, बोलती बंद ना, बोल। मुझे नहीं पता राशि, मैं नहीं करवाऊंगी ब्रह, नहीं कराऊंगी, मेरी भी अपनी कोई मर्जी होती है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने करवा लिया। तू ना हर चीज में मत बोला कर यार, जो करवाना है करवाओ, आज के बाद मेरे को मत पूछना कभी ये करूँ मैं वो करूँ, ठीक है? जो करना करो, तेरी लाइफ है, नहीं होता ठीक है भाई। तो फिर अब मेरी भी लाइफ है, याद रखियो, मैं भी जहाँ मर्जी, मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा, पूछूंगा नहीं तेरे से, हर चीज पूछ के नहीं करूंगा, ठीक है? जब देखो, जब मैं तेरे लिए नहीं एग्जिस्ट करता ना, तो फिर अब नहीं करती तू भी मेरे लिए। फिर सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है यार, खुद की कॉमन सेंस नहीं है? करवाने से पहले एक बार पूछा भी नहीं किसी से, प्रधान बन के इतनी बड़ी हो गई, सब जगह खुद जाके सब कुछ कर लिया। नो 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 नो, मैंने करवाना ही नहीं। प्रैंक हो रहा था ना ये, कोई तेरा सरप्राइज नहीं है, तेरे रिएक्शन वाला ब्लॉग नहीं है, ये तेरा प्रैंक हुआ है। बहुत देर लगी है मेरे, बहुत देर लगी है। क्या करा आज का ब्लॉग प्रभ, तेरे ऊपर प्रैंक ना, लोग ऐसे मांग रहे थे और मेरे एकदम से दिमाग की बत्ती जली कि इसको कौन सी चीज से नफरत है। आज तो हम वही करेंगे इसको, क्या मेरे को भी बहुत नफरत है यहाँ और यहाँ वाली पेरसिंग से। सीरियसली मैं इतनी देर से इरिटेट हो रही थी, इसको लगा घूम रही थी, कभी मेरी नोज में ऐसे से हो रहा, कभी मेरे लिप्स में ऐसे से, मुझे होता है मैं इसको कब उतार के फेंकू, और मैंने तो फेंक दिया क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, इतनी बेकार है वो। अब ये मम्मी देखेगी ना, मम्मी मेरे और चार बजाएगी। कैसा लगा आपको आज का प्रैंक, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मैंने प्रभ के साथ प्रैंक जितना जितना लोगों को पता ना कि प्रभ शांत है शांत है शांत है, उतना ही तू मेरा ना गंदा रूप दिखा रही है। गंदा क्या रूप है अब गाइस, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, आप लोगों को पता है। नहीं मतलब जो चीज प्रभ को गलत लगती है तो वो बोलता है कि हाँ ये चीज सही नहीं है, लेकिन फालतू का गुस्सा नहीं करता कि हाँ हर छोटी छोटी बात पे शुरू हो जाएगा, पांच बनने का भाषण लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पांच बनने का भाषण कौन से सीरियल का डायलॉग है फटाफट से कमेंट करके बता देना, देखते हैं कितने लोग देखते हैं मेरी तरह वो सीरियल। सो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये प्रैंक कैसा लगा, और अगर आपके पास और भी कोई प्रैंक है जो मैं प्रभ के साथ कर सकूँ तो यहाँ कॉमेंट सेक्शन में मत लिखना, मुझे डीएम करना, मेरी और प्रभ की इंस्टाग्राम आईडी नीचे मिल जाएगी। तो बाय बाय, पीस ऑफ लव।